करनाल इंद्री यमुनानगर रोड पर सड़क किनारे ओवरलोडेड खनन के ट्रक्स खड़े रहते हैं, जिस कारण रोजाना यहां पर सड़क हादसे होते हैं। आज भी एक ब्रेजा गाड़ी और एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल के इंद्री यमुनानगर रोड पर बलड़ी बाईपास के नजदीक किस तरह से आप देख सकते हैं कि बजरी हो, सैंड हो, किस तरह से ऊपर तक ये ट्रक भरे रहते हैं, जिस कारण रोजाना यहाँ पर एक्सीडेंट होता है। और किस तरह से खनन की अवैध तस्करी यहाँ पर किस तरह हो रही है, चाहे बजरी हो, चाहे रेता हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, इस तरह के ओवरलोडेड व्हीकल्स 2400 घंटे यहाँ पर हाईवे के किनारे, सड़क के किनारे खड़े रहते हैं। एक तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम काफी स्लो स्पीड से चल रहा है और इन ट्रक चालकों की वजह से एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिलती है। रोजाना यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं होती है, ना ही आरटीओ डिपार्टमेंट इस मामले में कोई कार्रवाई करता है, ना ही पुलिस कोई कार्रवाई करती है। आप देख सकते हैं पहले कितनी तंग रोड है, कितना तंग स्टेट हाईवे है। एक तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, दूसरी तरफ ये ट्रक, तमाम ट्रक वाले जिन पर बजरी सीमेंट ऊपर तक लोड होता है, रेता लोड होता है, सैंड लोड होता है, किस तरह से ये हाईवे के किनारे खड़ा कर लेते हैं और पीछे से आ रही जो व्हीकल्स हैं वो सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। और हमारी अपील है आरटीओ डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से कम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। और जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, इंद्री यमुनानगर रोड, करनाल।